अतः सन्या समूह में आपने अपने मोर्चे पर पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के सूर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति के ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महान योद्धा है, किंतु अब ये वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उस युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने इस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों ने मन में पांडवों के लिए स्नेह तथा दुर्योधन की आशा थी कि वह इस स्नेह की उसी तरह त्याग दें जिस तरह उन्होंने द्वित क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो प्रभुपाद कहते हैं, दुर्योधन का मन में ये विचार आया कि मैं तो द्रोणाचार्य को और भीष्म को बोला कि भीष्म द्वारा हम सब सारे सैन्य परिचालना हो रहा है, रक्षित है, लेकिन बाकी सारे जो बड़े बड़े सूरवीर हैं किसी को नाम लिया कुछ को नहीं लिया, तो इसलिए अयनेषु च सर्वेषु सभी का नाम लेकर बोलता, देखो जो जो भी सेनापति जो जो मोर्चे पर जो जो मेन गेट पर सब खड़े हैं अपना अपना विभव पर द्वार में सभी यहीं टिक करके रहना और सब अपना अपना ड्यूटी परफेक्टली करना, विशेष करके भीष्म सर्वे वही आप सभी को मेरा ये घोषणा है, आदेश है कि भीष्म पितामह को हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि भीष्म पितामह अगर बने रहेंगे तो हमारा विजय सुनिश्चित है। ये महान अतिरथी है, उनके सामने पूरे ये जितने भी कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में योद्धा थे भीष्म पितामह के सामने कोई नहीं थे, वो सबसे सीनियर मोस्ट थे, सबसे बड़शाली थे, सबसे ज्ञानशाली थे, वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध युद्धों में भी उनके समान इतने कोई नहीं थे, उनके समान रथी कोई नहीं थे। तो इसलिए अगर भीष्म पितामह लड़ेंगे तो उनके सामने कोई सामना नहीं कर सकते, तो यू आर ऑल हैव टू हेल्प भीष्म पितामह, सभी आपको सुरक्षा करें। तो यद्यपि प्रभुपाद कहते हैं उनके मन में विचार था कि भीष्म द्रोण और पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जब द्रौपदी को वस्त्र हरण किया जा रहा था तब तो कुछ कहे नहीं, वो अगर डांट देते तो इतना थोड़ी ना हो पाता। जब द्रौपदी रो रो करके उनकी हेल्प मांग रही थी वो कुछ बोले नहीं, जैसे मेरे सपोर्ट किए, मेरी इच्छा को पूर्ण करने दिए वस्त्र हरण में, उनको सपोर्ट नहीं, इसी प्रकार आज भी उनके सपोर्ट को आशा त्याग दे करके मुझे सपोर्ट करे ताकि हम जीत जाएंगे, इस प्रकार के। लेकिन कुछ और आचार्यों के श्लोक पर मतामत है कि यहाँ दुर्योधन ने अपने कूटनीति से कूटनीति से इस प्रकार कहा उनने, लेकिन और कहते हैं कि कूटनीति वो चलाया, बोलते हैं भीष्म को डायरेक्टली नहीं बोला था, अब भीष्म पितामह के लिए बोला, भीष्म पितामह तो सचमुच महान योद्धा है, लेकिन उनका एक प्रतिज्ञा है महाभारत में, उन्होंने युद्ध से पहले प्रतिज्ञा किए थे कि अगर शिखंडी मेरा सामने आ जाए तो मैं अस्त्र शस्त्र छोड़ दूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं।
भीष्म पितामह ने रण युद्ध होने से पहले ही कंडीशन रखे थे, क्योंकि शिखंडी को जानते थे कि पहले अम्बा स्त्री थी, बाद में भी इसी जन्म स्त्री हुआ, फिर बाद में भगवान की शंकर कृपा से पुरुष हुआ। तो पितामह भीष्म ने उनको जानते हैं, इसलिए घोषणा की थी, ओ शिखंडी अगर मेरे सामने आएगा मैं लड़ूंगा नहीं, वस्त्र सर छोड़ दूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो इसलिए वो चालाकी करके वो द्रुपद धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र होकर के आया उन्होंने, भले वो शिखंडी के लेकर अगर आएंगे, और शिखंडी किसी गेट से अगर घुस गया भीष्म के सामने आ गया तो भीष्म पितामह ने अस्त्र से छोड़ देंगे, लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं तो फिर तो हम हार जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को हर गेट पर बिल्कुल खड़ी रहे कि अच्छी तरह से डट रहना चाहिए, ताकि किसी प्रकार से दूसरे सैन्य शिखंडी को बोल रहे वो घुस ना पावे, ताकि भीष्म पितामह को युद्ध ना करने में विवश कर दे, ऐसा ना हो। तो इसलिए हम लोग सब मिल करके भीष्म पितामह को सहायता करें, प्रोटेक्ट करें, ताकि कस करके लड़ें जिस लड़ते हैं, और किसी प्रकार से उनको छोड़ कर ना जाए, ताकि अन्य कोई शत्रु घुस ना जाए। ये कह करके उन्होंने सारे सैन्य को घोषणा किया, सेनापति महासेनापति दोनों भीष्म द्रोण कहने के बाद में, अयनेशु अयन मतलब विपद द्वारा, जो जो जिस जिस मोर्चे के गेट पर खड़े हैं यहीं पर अड़िग रहे, और किसी भी हालत में भीष्म पितामह किसके लड़ते लड़ते आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको संभाल के रहना चाहते, कोई हमारा विभक्त के अंदर ना प्रवेश कर पाए, कोई घुस के उनके सामने आ गया, विशेष करके जो शिखंडी अगर आ गया तो पितामह लड़ेंगे नहीं उनका, तब सब गड़बड़ हो जाए। ती आशा से और उनका विजय की आशा था कि अगर पितामह भीष्म हमारे तरफ टिके रहे तो हम जीत जाएंगे, इस आशा से ये वचन कह रहा है। भीष्म भवंत सर्व एव, हर प्रकार से भीष्म को हमको प्रोटेक्शन देना, उनके चारों तरफ रक्षा करके रहना, वही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भीष्म ही हमको जीत देंगे, जीतेंगे। ओके थैंक यू सो मच महाराज। तो महाराज ने हमें बताया कि कैसे दुर्योधन मेक श्योर कर रहे हैं कि भीष्म पितामह सारी तरफ से मतलब कोई और ना आ जाए उनके सामने, स्पेशली शिखंडी, बिकॉज उन्होंने प्लेज लिया था कि अगर शिखंडी आ जाएगी तो वो फाइट नहीं करेंगे। सो ही मेक श्योर कि अगर भीष्म पितामह फाइट करेंगे देन तो वो जीत ही सकते हैं, बिकॉज भीष्म पितामह इज़ वेरी पावरफुल। थैंक यू सो मच महाराज। इफ एनी वन हैज़ एनी क्वेश्चंस और रियलाइजेशन विल मे आस्क। यस आदिवीर प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज जी, कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज क्वेश्चन नहीं है, बट ये है कि हमने अभी बाड़मेर में एक नया घर शिफ्ट किया है, आप देवीदान और ये रघुराज हैं, ये हमारे साथ रहेंगे। यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेंगे, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बीए कर रहे हैं आप, बीएड कर रहे हैं, तो वी नीड योर ब्लेसिंग्स कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस ठीक से प्रैक्टिस कर पाए और पाए। थैंक यू। थैंक ओके सिमरन माता जी। महाराज मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे द्रौपदी को अर्जुना वाइफ क्यों कहा गया है? वो तो सभी की वाइफ थी पांचों पांडवों की, तो अर्जुना अर्जुन को ही सिर्फ क्यों यहाँ पे बताया गया है? क्योंकि अर्जुन ने जीत करके लाया था, फिर बाद में शेयर किया गया, मेनली अर्जुन का था ना, द्रौपदी की स्वयंवर में कौन जीता था, पांच भाई थोड़ी ना गए थे, उनको तो चक्कर में पड़ गया, बाद में उनकी माँ ने बोल दिया बांट कर लो करके, नहीं तो जीता था तो केवल अर्जुन, वो अर्जुन को ही शादी करने के लिए वर्णमाला पहना था, वो पांच थोड़ी पहनाए थे। ओके थैंक यू सो मच महाराज। गोपी वुड यू शेयर योर रियलाइजेशन। हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। महाराज जैसे हमने सुना कि दुर्योधन बहुत अशोर्ड थे कि अगर भी
भीष्म पितामह हमारे सेनापति होंगे, देन विक्ट्री इज अश्योर्ड। एंड सिमिलरली महाराज, वी आर ऑल्सो वेरी अश्योर्ड कि अगर आप हमारे गाइडिंग फोर्स होंगे देन भक्ति में प्रोग्रेस इज अश्योर्ड। महाराज प्लीज कीप ऑन कंटिन्यूइंग टू बेस्टो योर मर्सी अपॉन ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। तेन भीष्म अभिनन्दु भवन्तः सर्वैव हि देन यू हैव टू डिक्लेयर दैट द्रौपदी हरे कृष्णा महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ऑब्लिगेशंस। हरे कृष्णा एवरीवन। महाराज मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम द्रौपदी महारानी की या फिर पांडवास की कोई भी डिस्कशन करते हैं, जब हम कोई भी पॉइंट इनका रेज करते हैं, तो हमें ये बोला जाता है कि ये लोग सधार कर्मों की, कार्मिक रिएक्शंस की जब बात होती है, तो हमें ये बोला जाता है कि ये लोग साधारण नहीं थे। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज कि नॉर्मली हम लोग सीखते हैं कि जब सीखते हैं अपनी लाइफ में एग्जाम्पल से, उनकी एग्जाम्पल से सीखते हैं कि कार्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो क्या फिर भी हम इनकी एग्जाम्पल नहीं दे सकते? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, जैसे कार्मिक नहीं। रिएक्शन, सॉरी, यस गो अहेड। सेकंड क्वेश्चन मेरा यह है कि अगर महाराज हम इनके कार्मिक रिएक्शंस की एग्जाम्पल दे सकते हैं, ले सकते हैं, जब हम डिस्कशन करते हैं किसी के साथ, तो द्रौपदी महारानी के टाइम पे जब चीरहरण हो रहा था, तो सभी राजा जो थे, सभी वहां पे जो कुरु थे, वो शांत चुप थे। एक्चुअली वो बोल सकते थे, लेकिन क्या इसको ऐसे माना जा सकता था कि वो भाग्य में ऐसा लिखा था, होना था, इसीलिए ही वो लोग उस टाइम पे ऐसा रिएक्ट नहीं कर पाए? अदरवाइज वो कर सकते थे और नहीं भी हो सकता था ऐसा? ये जो पांडव है द्रौपदी है उनकी कर्म नहीं था, ये सब भगवत इच्छा पर था। भगवान का प्लानिंग था कि उन्होंने ही शिक्षा दे रहे थे। भीष्म पितामह जैसे महान भक्त, महान आचार्य, उन्होंने सब जानते थे, उनको सब पता था, सीनियर मोस्ट, उनको इसे अन्याय को, पाप को क्यों दिया गया? तो भगवान ने ये दिखाते हैं इसके द्वारा कि भीष्म पितामह जैसे महान महाजन आचार्य भी अगर इस प्रकार मेरे भक्तों के विरुद्ध में खड़ा होगा, इस प्रकार पाप के अन्याय को सहारा देगा, तो वो भी टिक नहीं सकता, कोई उसमें टिक नहीं सकते। और ये दिखाते हैं कि कितने तकलीफ, कितने लांछना, कितने कष्ट आने पर भी जो मेरे शरण में रहते हैं उनका हमेशा जीत होता है। ये भगवान ने अपने जन के द्वारा दूसरे को सिखाते हैं, तो इसमें कोई उनका कर्म फर्म कुछ नहीं था, सब भगवान के अति उच्च कोटि के शुद्ध भक्त थे, तो इस भगवत इच्छा से इस प्रकार रोल कर रहे थे। ओके सो महाराज, चूंकि हम इनकी इनकी एग्जाम्पल नहीं दे सकते कार्मिक रिएक्शंस में, जब कोई नहीं, डिस्कस, जैसे एग्जाम्पल क्यों दें? जब उनका कर्म था नहीं तो एग्जाम्पल क्या देंगे? जिनका कर्म है, हम लोग जैसे बद्ध जीव, हमारा कर्म अनुसार हम करते हैं, उनका कर्म था नहीं, ये तो भगवान की इच्छा पर कंट्रोल होते थे। भगवान चाहते थे कि ये रोल करें तो ये रोल के, जैसे गुड़गांव मंदिर में बोले गोपी को मंथरा रोल करने के लिए, तो थोड़ी ना मंथरा है, तो गोपी है, तो रोल क्या मंथरा का है? तो इस प्रकार उनको रोल क्या दिया गया था रोल करने के लिए? मैंने